मॉपअप काउंसलिंग मोबाइल से कैसे होगा और मॉपअप काउंसलिंग में कौन कौन से लोग भाग ले सकते हैं। जैसा कि जिसका पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हो गया है उसका मॉपअप काउंसलिंग होगा या नहीं होगा, या वैसे स्टूडेंट जिनका पहले काउंसलिंग छूट गया था उनका मॉपअप काउंसलिंग होगा या नहीं होगा, और आखिर कितना रैंक पर कौन सा ब्रांच और कौन से पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेगा, सभी टॉपिक के ऊपर फुल डिस्कशन करने वाले हैं। इसके साथ साथ आप सभी को भी बताने वाले हैं कि जो आप लोग का काउंसलिंग है वो कौन से लिंक से होगा। तो अगर आप लोग भी बिहार पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं और मॉपअप काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं ताकि आपके मनपसंद ब्रांच और पॉलिटेक्निक मिल जाए, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा ताकि ए टू जेड सभी के सभी इन्फॉर्मेशन आप सभी के पास चला जाए। काउंसलिंग कैसे होगा उसको जानने के लिए सबसे पहले आप सभी को क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा, फिर सर्च बार में सर्च करना होगा BCEC। जैसे आप लोग सर्च करेंगे तब आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस प्रकार से दिखिएगा। फिर आप लोग आ जाएंगे बिहार पॉलिटेक्निक के ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर लिखा होगा बिहार कम्बाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। तो यहीं से हम सब कुछ बताने वाले हैं। तो इसके पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के पास जाते रहे। तो उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो चलिए अब आप सभी को बता दें कि मॉपअप काउंसलिंग का प्रोसेस आखिर क्या है। तो इसके लिए हमको क्लिक कर देना होगा DCEC वहाँ पर। तो जैसे हम वहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नोटिस खुल के सामने आ जाएगा। तो चलिए आप सभी को हम प्रोसेस बता देते हैं। तो उसके पहले वैसे स्टूडेंट जो भी लोग डिप्लोमा वाले सर से अपना मॉपअप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं वो सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, हमारे व्हाट्सएप नंबर 88 73 98 83 88 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग अपना रैंक कार्ड को भेज सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी लोग अपना रैंक कार्ड को भेज सकते हैं जो आपका मॉपअप काउंसलिंग है उसको कट ऑफ के अकॉर्डिंग कर देंगे। आप लोग बोलेंगे सर काउंसलिंग फीस कितना है, तो आप सभी को बता दें सबसे कम मात्र और मात्र 100 रुपीज़ है काउंसलिंग फीस। तो जिनको भी काउंसलिंग करवाना होगा वो सभी स्टूडेंट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना रैंक कार्ड को भेज देंगे और काउंसलिंग का समय आपके पास हम कॉल करके जो आपका काउंसलिंग है अच्छे तरीके से कर देंगे। आपका काउंसलिंग अच्छे तरीके से नहीं हुआ था पिछले बार, जिसके वजह से ही आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया है। तो जिनको भी काउंसलिंग करवाना होगा तो आप लोग इस नंबर पे अपना रैंक कार्ड को भेज सकते हैं। नंबर है 88 73 98 83 88। अगर आप लोग का एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद आप लोग 3 साल तक हमारे संपर्क में होंगे। फिर आप सभी को भी बताएंगे कि आप लोग अपना इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, एग्ज़ाम कैसे होगा, सब कुछ आप सभी को बताएंगे एडमिशन के बाद। अब चलिए आप सभी को बता दें कुछ जानकारी। यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका मॉपअप काउंसलिंग है वो ऑनलाइन होगा, पहले जो काउंसलिंग है ऑफलाइन होता था, यानी इसके लिए आप सभी को पटना जाना होता था। अब यहाँ पर लिखा गया है वैसे स्टूडेंट जो फर्स्ट राउंड में मतलब किसी कारण से काउंसलिंग नहीं कर पाए थे वे लोग क्या करेंगे, उनका फिर से रजिस्ट्रेशन होगा। यानी आप लोग पहले काउंसलिंग नहीं किए हैं फिर भी आप लोग इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो आपका जो डाउट था कि इसमें हम भाग लेंगे या नहीं लेंगे, तो आप लोग बिल्कुल भाग ले सकते हैं और अधिक से अधिक कॉलेज और ब्रांच का च्वाइस फिलिंग करेंगे यहाँ पर बताया गया है। अब वैसे स्टूडेंट जिनका एडमिशन हो चुका है पॉलिटेक्निक कॉलेज में, यहाँ पर लिखा गया है प्रथम अथवा द्वितीय चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से सरकारी या प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्थानों में नामांकन ले चुके हैं फिर भी आप लोग मॉपअप काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भाग ले सकते हैं। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड है उस पर क्लिक करके आपके पास OTP जाएगा, वेरीफाइड करके जो आपका मॉपअप काउंसलिंग विलिंगनेस है उसको सबमिट
डिलीट कर देना होगा, यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं, आपके पास सिर्फ रैंक कार्ड है, तो आप लोग इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अब चलिए आप सभी को बता दें यहाँ पर क्या क्या बताया गया है। जो आपका काउंसलिंग का डेट है 20 सितंबर से लेकर के 25 तक है। कब से? 20 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक है। इसका जो रिजल्ट है वो 27 सितंबर को पब्लिक हो जाएगा। और इसका जो एडमिशन का डेट है वो 3 अक्टूबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक होगा। यानी आप सभी को 3 दिन का मौका दिया जाएगा एडमिशन के लिए। तो आप लोग देख लिए हैं मॉपअप काउंसलिंग का प्रोसेस आखिर क्या है। तो जिनको भी काउंसलिंग करवाना होगा उस सभी स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप नंबर 88 73 98 83 88 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी स्टूडेंट अपना अपना जो रैंक कार्ड है उसको सेंड कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।